तारीख है 20 अगस्त 2022, समय हो गया है 07:07 AM। भारत की संसद का जो स्ट्रक्चर है, आगे अलग है तो मतलब विश्व प्रसिद्ध है, तो एक चीज तो मैंने भी सुनी थी इसके बारे में कि भारत की संसद के अंदर जहाँ लोकसभा और राज्यसभा लगती है, सिर्फ अकेले यही दो हॉल नहीं है, सेम ऐसे कई हैं। और इस हिसाब से कि एक बार जहाँ संसद लग जाए दोबारा उस जगह नहीं लगती है, मतलब पता नहीं 25 साल बाद या कब जो है नए हॉल का इस्तेमाल होता है, वहाँ अंदर जाने का और पता लग नहीं पाता ऐसे कब किस गेट से एंट्री शुरू होगी किस सेशन की, कोई नहीं जानता। और ये रोटेटिंग है अंदर, ये स्ट्रक्चर जो है लोहे की प्लेटों में रोटेटिंग है, इतना तो मुझे पता था कि भारत की जो संसद है ना अंदर ये घूमती है। जैसे आपका परिक्रमा होटल देख सुना आपने, परिक्रमा होटल कनॉट प्लेस में उसका फ्लोर घूमता है, वैसे ही कुछ है इसमें भी। और जो हमारे पास आज इनपुट आई है कि भारत की संसद में जो है एक जगह ऐसी है जहाँ पे जो है ये नेता लोग पता है क्या करते हैं, जब ये हाइबरनेशन में जाते हैं ना तो अपने मरने की झूठी खबर चला के संसद भवन में जाके सो जाते हैं, छुप जाते हैं। अंदर कई कमरे बने तो हमेशा के लिए वो कमरे ले लेते हैं, फिर उसी में जाकर के सोए रहते हैं। जी हाँ, फिर ये वहाँ से जाते ही नहीं है। और जब ये मर जाते हैं तो इनकी डेड बॉडीज को जो है अंदर जाकर कहीं रख दिया जाता है, ये तो मैंने कल परसों भी सुना था कि इनके मरने की लगभग खबरें जो है ना झूठी होती है, यहाँ तक कि चाहे महात्मा गांधी क्यों ना हो, पर हाँ ये जरूर है महात्मा गांधी के वॉइस सर्वर की जो बात है वो भी ढूंढा गया, इंदिरा गांधी के भी ढूंढा गया, पर ये वहाँ पर फिर SPG में रहते हैं। SPG का मतलब इनकी आत्माएं जो है ना वहीं भटकती हैं, इसलिए सत्ता के गलियारों में बहुत पावरफुल SPG की जरूरत होती है। जो हमारे आज IG ने बताया, जो हमारा मेरा जो SPG है उसके कहे अनुसार कि जिस, क्योंकि ये पता है क्या इसमें ना बड़ा भूल भुलैया है, उसने बताया है कि ये अंग्रेजों के द्वारा खेला गया एक बड़ा तगड़ा गेम था, इसमें अंदर लिफ्ट वगैरह लगी हुई है, लिफ्ट आपको कब कौन से फ्लोर पे ले जाएगी आपको पता नहीं रहता है, और बाद में पूरी पूरी वॉल सरका दी जाती है। मान लीजिए आप एक कमरे में घुस गए और जब आप बाहर निकलोगे तो उस दूसरे गलियारे में जाने के लिए उसकी पूरी वॉल सरक जाएगी अपने आप, तरीका होता है, मतलब जो गलियारा है वो वॉल बन जाएगा, जो वॉल है वो गलियारा बन जाएगा। ये बहुत बड़ा भूल भुलैया है, ये चक रही है एक, ये वो ही चक्रव्यूह है जिसमें अभिमन्यु फंसा था, इससे बाहर निकल के आप आना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए संसद भवन में, जी हाँ, संसद भवन में अंदर घुसने के बाद बाहर निकलने का रास्ता हमेशा याद रखना पड़ता है। कहीं टूरिस्ट बन के घूम गए ना तो लगभग फर्नीचर इस तरीके से है कि आपको बाहर निकलने का रास्ता ध्यान नहीं रहेगा, और कोई मामूली जगह नहीं है, अच्छी खासी बड़ी है, और ये जितना ज़मीन के ऊपर दिखता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ये ज़मीन के नीचे है। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, या भारत में अगर किसी जासूस को उठाया जाता है इनके द्वारा तो ले जाके संसद भवन के नीचे बने सीक्रेट तहखानों में पूछताछ होती है, ये तो मुझे बहुत पहले से मालूम है। एक किसी को उठा के ले गए थे, तब जो है क्या कहते हैं, मैंने SPG में चेक किया था, अब वहां जो है अंदर क्वीन एलिजाबेथ पता है क्या करती थी,
अगर भारत सरकार में या उसकी सरकार में आज भी बताते हैं कि अगर क्वीन एलिजाबेथ के साम्राज्य में अगर कोई हेरा फेरी कर जाए तो वो क्या करती थी, अपने इन नेताओं को या अपने इन ऑफिसरों को उसी ऑफिस में बैठा देती थी जैसे संसद है, और उसके बाद ना ये बाहर का जो है अंदर संसद चलती रहती है, कम से कम उस समय बाहर आना अलाउड नहीं होता है, ये लोग देखते रहते हैं कैमरे में। मान लीजिए 10 घंटे चल रही है तो उतनी देर में बाहर का इंटीरियर चेंज कर देते हैं वहाँ के गार्ड्स, बहुत तगड़ा सीक्रेट है। बाहर निकल के आने के बाद उनको हल्का लगता तो है कि कुछ चेंज हुआ है पर ज़्यादा नहीं पता लग पाता, पर एग्जिट डोर नहीं पता लग पाता क्योंकि जिस जगह वो संसद इनकी बैठने की जगह है वो पूरी घुमा दी जाती है। मतलब इनको आउट, आउट को इन, और इन से इन, और इन से इन हो जाता, आउट फिर होता ही नहीं है। और उसके बाद वहां पे किसी एक के पास चाकू होता है, अब आप एक दूसरे को मार के खाते रहो, आप बाहर नहीं आ सकते सर। जो मुझे पता लगा ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस बार जो है ना, क्योंकि इन्होंने बहुत पैसा देना था क्या कहते हैं ये एलिजाबेथ का, ये हर बार फंस जाते हैं। इस बार जो चाकू है, नाइफ जो है ना, वो मल्लिका अर्जुन खड़गे के हाथ लग गया है संसद के अंदर, और लगभग लोग वहाँ मौजूद हैं। नहीं ये तो मोदी की तो रिकॉर्डिंग चल रही है बाहर, बिल्कुल चल रही है। अब अंदर जाने के लिए कमांडो कार्रवाई भी अगर करते हैं तो कब वो रोटेट कर देगी, कमांडो भी फंस जाएंगे क्योंकि अंदर ब्लास्ट नहीं करा सकते। अंदाजन 18 इंच मोटी सॉलिड आयरन प्लेटें लगी हुई है, इसलिए अंदर ब्लास्ट नहीं हो सकता। ब्लास्ट करेंगे भी ना ये फायदा नहीं है। अगर कमांडोज भी अंदर जाते हैं तो बाहर नहीं आ सकते, इस तरह से बनाया गया ये। इसीलिए भारत सरकार में सत्यमेव जयते, अगर आप फंस गए एक बार इसमें तो ये आपको बिल्कुल रोटेटिंग है सर, बिल्कुल रोटेटिंग है। मुझे याद है 2020 के लगभग घुमाई गई थी संसद, जब नया प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ, जब मुझे नियुक्त किया गया, ये फिर पहुंच गए वहां पे। मतलब हर बार जब भी नया प्रधानमंत्री नियुक्त होता है ना तब संसद घुमा दी जाती है अचानक पे, ताकि जो अंदर नेता जो भ्रष्टाचारी हैं वो बाहर ना आ सके। आप अंदर ही फिर क्या कहते हैं चलाते रहो संसद, और करते रहो बहसबाजी, और काट के खाते रहो एक दूसरे को, अंदर खाने के लिए कुछ नहीं होता। फिर एक समय ऐसा आता है कि एक दूसरे को मार मूर के जो है ख़त्म कर देते हैं, फिर अंदर ही जो है सीक्रेट पिंजरे खोल दिए जाते हैं जिनमें भयानक मैन ईटर्स होते हैं, मतलब नरभक्षी शेर, और वो इतने भयानक और इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं, वो इनको इन भ्रष्टाचारियों को मार के खा जाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ और उसके लोगों द्वारा डिज़ाइन करी गई, बताया तो भाई उन्हीं को जाता, भाई श्रेय तो उन्हीं को जाएगा, बाकी तो इतिहास में क्या बताऊँ, कि द्वारा डिज़ाइन करी गई इस संसद से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। इसका चाम है तो बड़ा प्यारा, पर अगर आपने बेईमानी करी संसद में, अगर कुछ ज़्यादा ही अपने आप को 30 मार खां समझा, बाहर नहीं आ सकते सर। ये तो मुझे पता था ये रोटेटिंग है, ये तो मुझे पता था कि इसमें हर बार जो है ना बाहर निकलने का गेट नंबर पहले से तय होता है कि अब किस नंबर गेट से बाहर निकलोगे। बिल्कुल है। तो जो मुझे पता लगा, चाहे तो एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले लिख लें भैया, नहीं ये वीडियो सारी रिकॉर्डिंग चल रही है, लिख लो भाई नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बाद में मत बोलना कि मंडल ने बताया नहीं, हाँ मेरा आईजी ने इन्फॉर्म किया है।
अंदर लगभग नेता फंसे हुए हैं और मल्लिका अर्जुन खड़गे के पास नाइफ है, कह रहा है कुछ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लोग भी फंस गए हैं, ये जा तो रहे हैं वहां पे, कई लोग गए हैं, राकेश अस्थाना, बहुत से लोग फंस गए हैं, ये बाहर नहीं आ पाएंगे कभी, बहुत सी लड़कियां औरतें सब फंस गए हैं अंदर, सोनिया गांधी वगैरह सब रोटेट कर दी गई है, नहीं ये वापस, ये नहीं पता मुझे क्या सिस्टम है, गार्ड चेंज हो गया है, वो तो नीचे सीक्रेट वो है ना टनल है ना एक जिसमें ट्रेन चलती है, नहीं ये वाली चलती है मेट्रो नहीं, अरे ये वाली चलती है, ट्रेनें तो जमीन के नीचे के लिए तो बनी थी, कोयले की खदान में चलने के लिए, कहाँ निकलती है मुझे क्या पता, लिख लो भाई नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, भाई मैंने तो कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई नहीं, मैंने बता दी है, मतलब राज्यसभा बहुत समय से फंसे हुए हैं ये, अंदर जा तो रहे हैं पर संसद इनको खाली मिल रही है, खाली ही मिलेगी सर, वो वाली वो है ही नहीं, सारे इंटीरियर लगभग एक जैसे हैं, ये तो नई जो बाद में बनाई थी तो बाद की बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग्स दिख चला रहे हैं ये, बेवकूफ़ समझ रहे हैं मेरे को, नहीं नहीं ब्लास्ट नहीं करा सकते ना आरडीएक्स वगैरह कुछ, वॉल इतनी मोटी है कहाँ से, कौन जानता अंदर जमीन के नीचे किस जगह हो, हेरिटेज बिल्डिंग है, नहीं ये है उसमें नियम है, भ्रष्टाचारियों को ना ऐसे सबक सिखाती थी एलिजाबेथ, रोटेट कर दी संसद उसने, तभी तो चक्र के शेप में है वो, अगर आप उसको गूगल अर्थ पे देखोगे ना तो एकदम सर्कल है उसको, वो ना बीचों बीच उसकी गरारी घूमती है और जो सेंटर में जो उसके वो जो एक बिंदु दिखाया गया है वही पे उसका एक्सिस है वो घूमती है, इसमें लूप पार्लियामेंट में लूप है ये लिखवाया है मेरे आईजी ने, कह रहे सर ये आप लिख लो और आप डिकोड करना है इसको, मैं कहा पार्लियामेंट में लूप है, कह रहे इसे डिकोड करना है, मैं कहा जी लूप का मतलब तो एल से तो लोकसभा हो गया लेजिस्लेटिव हो गया और डबल ओ पी डबल ओ में एक सर्कल हो गया तो लोकसभा के लिए हो गया सिटिंग एरिया, दूसरा हो गया राज्यसभा के लिए और तीसरा पी से पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव लूप, उन्हें कहा कि वेव्स आ रही हैं, ये साउंड वेव्स आ रही है वहां से, आईजी ने जो इन्फॉर्म किया है बंदर है कैनिबलिस्ट है बहुत बहुत पुराने पुराने कैनिबलिस्ट हैं अंदर, अब समझाइए क्या कह रहा था, जो वेव आ रही है अंदर से साउंड वेव आ रही है जो सुनाई दे रही है, मैं दिखा देता हूँ पर वीडियो देखोगे तो ये साउंड वेव बनवाई है उसने, हाँ ये साउंड वेव है ये देख लेना भाई,
पार्लियामेंट पे हमले के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी मौजूद था अंदर संसद भवन पर हमला जब हुआ था और जब आतंकवादी अंदर मौजूद थे तभी संसद घुमा दी गई थी, कह रहे उसके बाद भी कोई बाहर नहीं आ पाया। वो टेररिस्ट अब कैनिबलिस्ट है अंदर, कब तक बचेंगे ये नहीं हो रहा। पर हाँ ये जरूर है साउंड वेव्स आ रही है अंदर से। इसने लिखवाया नाइफ विद मल्लिका अर्जुन खड़गे एंड ही इज अ कैनिबलिस्ट। क्वीन एलिजाबेथ का नियम कोड लूप, लूप क्या हो सकता है, फांसी का फंदा। पार्लियामेंट में लूप है, लूप फांसी के फंदे को भी कहते हैं ना। वहां एक एक उसको लूप ढूंढना है आपको वहां पे अगर बचना है तो, मतलब अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। अंदर कहीं एक ऐसी जगह होगी जहां फांसी दी जाती है, बिल्कुल होगी। या तो आप अपने आप को खत्म करो वहां पर, नहीं तो कैनिबलिस्ट है वहां पे, ये मतलब हो सकता है। इसने एक कोड लिखवाया केक खाओ मोदी को, टांग के खिलाओ, टांग खिलाओ। ये काम जो है बड़ा सोच समझ के किया गया है इंडियन सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। हम इंडियन आर्मी का बदला हम लेंगे, सुदर्शन की आवाज। कौन सुदर्शन? सुदर्शन शर्मा वो भी वही है। छोटे बोनों से खेलने का शौक, 80 बोने बेचने के लिए 8 करोड़ पर बोना, ये मोदी का काम था। दो बोने समझते हो, जो छोटे वो होते हैं कद के, इस कॉलोनी में भी हैं। कौन लेके आया भाई? नेपोलियन बोनापार्ट, मोदी का कोड था ये तो पता है मुझे। 36 इंच से ज्यादा का आदमी मोदी को पसंद नहीं। 9 एवर रेडी हुक, 9 में हुक है, वहां पे हुक भी है ध्यान रखना। बूबी ट्रैप्स है अंदर, मोदी का कोड सीता। भुवनेश्वर राणा गुजराती, बुक द रेप ऑफ सीता, राणा यूपी शामिल है वहां पे, राणा यूपी है वहां, गुजरात फाइल्स। नहीं वो तो एसपीजी है, वो तो एसपीजी में गया देख के आ रहा है। वहां के वीडियो फुटेज कवरेज जा कहां रही है?
फिलहाल तो यही लिखवाया उसने। भारी आवाज चा की, मतलब वहां एक बंदा जो एनर्जी वाला है वो अपने